जादू एक और बेहतरीन और रोमांचक मुकाबला इस समय आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ रहने वाली है बहसवाल टीम, हरियाणा की सबसे मजबूत टीमों में शुमार, सभी के सभी प्रो कबड्डी के खिलाड़ी इस टीम में आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर चेहरे इंडियन टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। नितिन रावल जो कि भाई एक बेहतरीन डिफेंडर के तौर पर जाना जाता है, खिलाड़ी इंडियन कबड्डी टीम का हिस्सा रह चुका है, गोल्ड मेडलिस्ट है। टॉस होता है साथियों, टॉस जीता है भाई बीके एकेडमी वर्सेस जेडी के बीच मुकाबला स्टार्ट। साथियों पहली रेड और रैना एक नंबर जर्सी में लीलू गुरु जी अकेडमी की तरफ से, हालांकि वैसे ये खिलाड़ी कवर सैन अकेडमी वसी में प्रशिक्षण करता है। और सामने मौजूद नितेश के जंप लगाई ऊपर से कामयाबी मिलती हुई पॉइंट मिलाई कौन, एक नंबर जर्सी में रैना कामयाब हुए थे तो भाई दूसरी तरफ से एक नंबर जर्सी में नीरज नरवाल उर्फ नंबरदार के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी आईटी में कार्यरत कथुरा हरियाणा का निवासी। ये भाई कमाल है, ये डैश है सूरज का, जबरदस्त डैश लगा दिया निखिल, गांव रसूलपुर जिला बुलंदशहर है, उत्तर प्रदेश का निवासी, आठ नंबर जर्सी में पांच के डिफेंस में, दो की चेन लेफ्ट में, दो की चेन राइट में, सेंटर में परवेश मलिक, सुनील परवेश की जोड़ी विरोधी की कमर तोड़ी, क्या आज ये जोड़ी कमाल कर पाएगी, वर्चस्व की जंग है उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा इस मुकाबले की ये खासियत रहने वाली है। दो कबड्डी के जाने माने प्रदेश गोपाल सिंह और गुट्टू पंद्रह नंबर जर्सी में यू मुम्बा कबड्डी टीम का हिस्सा रहता है और लगातार बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके देता है यू मुम्बा टीम के लिए। संतोष करना पड़ेगा एम्पीरियन के साथ लौटते हुए। और भाई इस टूर्नामेंट के जो बेस्ट से बेस्ट मुकाबले हैं आप उनको स्पोर्ट्स वीडियो की चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। ये कमाल की भाई साइड किक लगा दी है हिमांशु नरवाल और विचे, ये जबरदस्त प्रदर्शन रहा है अभी तक इस टीम का। तीनों स्टार, दो डिफेंडर, एक ऑलराउंडर गुमांशी रैना एक नंबर जर्सी में, तीन का डिफेंस, सुपर टैकल की कंडीशन, लेकिन ये कंडीशन फिर से कंडीशन रह जाएगी क्योंकि एम पीरियड के साथ रैना लौटते हुए। दोनों तरफ से भाई प्रयास किया जा रहा है एम पीरियड के साथ क्योंकि एक और टू अटाई गैप जा रहेगा, लेकिन तो सार सात नंबर जर्सी में शाहपुर से बिलोंग करता है खिलाड़ी और इस समय लीलू गुरुजी टीम का हिस्सा, तीन का डिफेंस, सुपर टैकल की एक बार फिर परिस्थिति, सुपर टैकल करने पर भाई दो पॉइंट मिलते हैं गोपाल सिंह, एक और एम पीरियड देखने को मिलेगी, रोमांच बरकरार। और जो भाई थर्ड रेड टू अटाई रेड 2014 से जैसे प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई थी उससे पहले भाई टू अटाई का नियम नहीं था कबड्डी में, लेकिन उस समय यह होता था कि टीम एक पॉइंट या दो पॉइंट की लीड में आ गई। परमेश सुनील की यह जोड़ी है भाई, इस जोड़ी की ये खासियत है थर्ड रेड टू अटाई रेड, टू अटाई में कामयाबी मिली थी बड़पुरा टीम को। गोमान सिंह नाम है इस खिलाड़ी का, खासियत है इस खिलाड़ी की सूरज को,
सूरज दिन में कुछ ज्यादा चमकता है भाई, रात में भाई ओझल हो रहा है खिलाड़ी। अरे ना फिर से 5 के डिफेंस में परिस्थिति बदल रही है इस मुकाबले की। पहले बढ़त में थी लेकिन धीरे धीरे फिर से वापसी कर रही है बड़पुरा टीम। निखिल 8 नंबर जर्सी पे, बड़पुरा टीम में सारे के सारे प्रो कबड्डी के स्टार खिलाड़ी हैं। तो भाई दूसरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं ये युवा खिलाड़ी जो कि लीलू गुरुजी टीम का हिस्सा इस समय। रेडर सेल्फ आउट, ऐसी ज्यादा ऊंची पहचान नहीं इस टीम की, लीलू गुरुजी टीम की, लेकिन आने वाले टाइम में भाई इनमें से खिलाड़ी आपको प्रो में जरूर देखने को मिलेंगे। गुमा लगातार शिरकत करते हुए 4 के डिफेंस में, 2 की चेन लेफ्ट में, 2 की चेन राइट में, और मयंक काकड़ा जो कि मुजफ्फर शॉली से बिलोंग करता है खिलाड़ी। एक नंबर जर्सी में फिर से रहना 5 के डिफेंस में, 4 के डिफेंस में कामयाबी मिली, कैच लगाई गुमान को। ये भाई कबड्डी का रोमांच है जो आप यहां लगातार बने हुए हैं इन स्टार खिलाड़ियों को देखने के लिए, उत्साह वर्धन के लिए इनके। हिमांशु नरवाल का और इडाना हरियाणा प्रदेश का एक खिलाड़ी, और इडाना की भाई चर्चा रहती है प्रो कबड्डी में, करीब करीब 17 से 18 प्रो कबड्डी के प्लेयर रिडाना में पैदा हुए हैं, और प्रदीप नरवाल जैसे, राजेश नरवाल जैसे खिलाड़ी उस माटी से निकले हैं। तो सर लेफ्ट रेडर 5 के डिफेंस में, 2 की चेन लेफ्ट में है, 2 की चेन राइट में है, और राइट में जो जोड़ी है इस समय नितेश और नीरज नरवाल, लेफ्ट में जोड़ी सुनील परवेश की, फिर से वही सटीक बैठती हुई कहानी। नीरज नरवाल थर्ड राइट टू डाई राइट, फिर से 4 के डिफेंस में, 4 के डिफेंस में कामयाबी मिली थी पिछली राइट में, क्या इस बार भी कामयाब होंगे भाई। इस मुकाबले की खासियत यह है कि सारी की सारी टीमें जो गाड़ियों में बैठी थी, कमरों में सो रही थी, सभी की निगाह इस मुकाबले पर है, और कैच लगाने का प्रयास किया है आर्यन ने, आर्यन शर्मा, हल्की भाई दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ये मुकाबला भाई इस तरह का है क्योंकि यहां जान जोखिम में डालने वाला काम कर रही है टीम। पांच का डिफेंस में, अरे ना एक नंबर जर्सी भाई खिलाड़ी, किक लगाई थी पहले सुमित को इस तरह की, लेकिन आज कुछ परेशान करके रखा है सुमित। ऐसे खिलाड़ी भाई कम से कम 6-7 कैच नॉर्मल रहती है इस खिलाड़ी की हर मैच में। मयंक कैप्टन रहते हैं भाई टीम के, और कैप्टनसी बखूबी करता है खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, ऑल इंडिया टूर्नामेंटों में पहचान बनाई है इस खिलाड़ी ने, नाम बनाया है अपना। 2.5 कैच 4 हिमांशु एक बार फिर एमपी राज के साथ लौटते हुए, मतलब 2.5 का इंतजार, इंतजार खत्म हुआ 2.5 सामने, 2.5 रेट आगे कुआ पीछे खाई भाई, करो और मरो की स्थिति रहना के लिए। ये खासियत है, मैंने पहले ही बताया था भाई, कैच जबरदस्त लगाई थी, पैक होल्ड पर सटीक गए थे, लेकिन उससे पहले हल्का पैर लॉबी में गया था, क्योंकि जब डिफेंडर सेल्फ आउट होता है तो रेडर को सेव दिया जाता है, वही परिस्थिति यहां पर बनी है। लेकिन ये हिमांशु का कमाल है, साइड किक लगाई है। निखिल सांसें थमी हुई हैं बिल्कुल सभी की इस मुकाबले में, कभी 1 पॉइंट इधर तो कभी 1 पॉइंट उधर। इस समय
दोनों तरफ अगर बात की जाए तो पांच पांच का डिफरेंस है। रूपा से एक पॉइंट की लीड में, गुमान सिंह उर्फ गुड्डू, दोनों तरफ पांच पांच का डिफरेंस है, अंतर है मात्र एक पॉइंट का। दोनों तरफ भाई मन में भाई हलचल है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, चाहे कोचों की बात करें खिलाड़ियों की बात करें, दोनों तरफ टच लगाने का प्रयास। क्या एक और एमपी रेंज? बिल्कुल हिमांशु, दोनों तरफ से भाई टू और डाई पर मुकाबला चलता हूं, थर्ड रेंज टू और डाई रेंज, करो और मरो की स्थिति होगी, एक एक पॉइंट पर यह मुकाबला चल रहा है। थर्ड तोड़ने का मतलब है कि आप मुकाबले में बने रहते हैं, स्कोर भाई बराबर हो गया। दर्शकों रात में अगर आनंद आ रहा होता इस मुकाबले में, डोर डायरेक्ट भाई करो और मरो की स्थिति, लेकिन इस मार स्थिति में कामयाबी मिली गोमान को, बाजी मारी गोमान ने। दोनों भाई बड़ी टीम है, चाहे लोकल टूर्नामेंटों की बात करें या फिर ऑल इंडिया लेवल के जो टूर्नामेंट हो गए भाई, तावा किया जा रहा है भाई, पीछे आ जाओ पीछे, कोई ना पीछे आ जाओ, रेफरी का मान लो भाई, संकोच रहेगा ना, दो के डिफेंस में सुपर टेकल ऑन और दोनों बेहतरीन डिफेंडर, कमर की जोड़ी सूरज और आर्यन, दो पॉइंट की लीड में साथियों, कुछ समय पहले तक लीड में चल रही थी लीलू, मुकाबला एक बार फिर स्टार्ट होता है साथियों। फर्स्ट हाफ की कहानी की बात करें बिल्कुल तस्वीर साफ हो चली है, दो पॉइंट का अंतर, अगर यहां सुपर टैकल हुआ तो दो पॉइंट मिलेंगे और स्कोर बराबर हो जाएगा, लेकिन गुमान को टैकल करना कड़ी चुनौती है, लंबा रनिंग हैंड टच का प्रयास और बिल्कुल भाई निशाना बनाया इस बार सूरज को। टाइम आउट आए, एक रेडर को अंदर लिख रहे हैं क्योंकि जरूरत है, आर्यन परमानेंट डिफेंडर है, लंबा प्रयास, स्कोर 7-10, सभी की सांसें थमी हुई इस मुकाबले पर, लेकिन ये मुकाबला जिस तरह से शुरू में चला था, फर्स्ट हाफ में चला था, क्या उस तरह का सेकंड हाफ में चल पाएगा, क्या लीलू जी टीम वापसी कर पाएगी। हिमांशु नरवाल एक ऑल आउट मिला है देखने को, पहला ऑल आउट लगाया किसी भी टीम पर सेकंड हाफ में जाके, क्या बेहतरीन भाई, एक कमाल का मैच खोल देखने को मिलाया, तो निगाहें कहीं और थी हिमांशु की, कमाल का मैच खोल, स्कोर भाई 8-13 का स्कोर है। मायने नहीं रखती है, लेकिन जिस तरह की टीम है सामने वो कड़ी चुनौती रहने वाली है, एक एक रेड में 5-5 पॉइंट आ जाते हैं। एक और भाई फिर आशीष कमाल की भाई कैच लगा दी है इस बार, पिछली रेड में भाई हिमांशु को, तो इसमें गुमान को मार किया है, निखिल 8 नंबर जर्सी में, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का ही निवासी, 5 के डिफेंस में, 9-13 स्कोर, 4 पॉइंट का अंतर, पहले लगातार पॉइंट अर्जित किए थे, बाद
लगातार पॉइंट अर्जित करके वापसी की बड़बरा टीम ने। इस समय रनिंग ट्रैक पर है, वापसी कर रही है लील गुरु जी टीम। नीरज नरवाल एकमात्र रेडर इस समय बोर्ड में बड़बरा के। थर्ड रेड टू बनाई रेड, दो पीछे लेफ्ट में, दो पीछे राइट में, सेंटर में सुनील। और ये भाई खासियत है, खासियत है ये नितेश की। दोनों टीमें वार्मअप करके ग्राउंड पर आ जाए। सेकेंड हाफ का मुकाबला चलता हुआ, स्कोर 9-14, 5 पॉइंट की लीड है। ये भाई कॉम्बिनेशन टैकल कह सकते हैं इसे, ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन था राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर का। सपोर्ट मिला समय पर भाई, मैच की दोनों टीम ग्राउंड में रिपोर्ट करें जल्दी, क्योंकि मैच समाप्ति के बिल्कुल करीब है, उसमें दोनों तरफ से संघर्ष जारी है। ये भी वही कॉम्बिनेशन ऐसा ही देखने को मिला है, इस बार सुमित और नितेश का कॉम्बिनेशन है। दोनों एक दूसरे के ऊपर जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है, अब देखते हैं कौन सी टीम भाग्यशाली होगी जो आखिरी मिनट की आखिरी सेकंड में अपनी बात को बरकरार रखेगी। एक और पॉइंट प्लस वन, पहले एक पॉइंट दिया गया था लेकिन उसके बाद वेरीफाई हुआ, सत्यापित हुआ कि दूसरा भी है, तो डबल फायदा हुआ। धीरे धीरे भाई मुश्किलें बढ़ रही है, कमाल का टैकल देखने को मिला, एक और बेहतरीन प्रयास पॉलिश के लिए गए थे सेकंड के नीचे से। चार का डिफेंस, मुकाबला धीरे धीरे भाई बड़बरा टीम की तरफ फिसलता दिख रहा है। समय काटते हुए नीरज मेजबान टीम है, ये मैच थोड़ा थोड़ा सा झुकता हुआ, वैसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि निश्चितता है कबड्डी में, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि मेजबान टीम रोहतास के विपरीत इसका नतीजा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही जज्बा राहत और मुश्किलों के साथ ही इन्हीं काली रातों के नाम से सुनहरा कल भी निकलेगा। किसी को होती ही दिक्कत है, टाइम आउट दिया है, थर्ड रेड टू बड़ा रेड, दो रेड अगर भाई खाली जाती है तो तीसरी रेड 5 मिनट के आसपास होता है। थर्ड रेड टू बोर्ड आई रेड है और भाई निशाना बनाया इस बार, अंतिम 5 मिनट 10-19 का स्कोर है, तो 9 पॉइंट की लीड है दूसरी टीम की। किसी समय भाई ये मुकाबला 6-7 के स्कोर पर था, 1 पॉइंट से पिछड़ रही थी बड़बरा टीम। एक और नितेश का एंकल होल्ड है जो 9 की लीड थी 10 में परिवर्तित हो गई। टीमें दोनों जबरदस्त, दो के डिफेंस में गुमान, सिर्फ समय काटने का प्रयास रहेगा क्योंकि जो लीड है वो भाई दुगने का अंतर है, 10-20 का स्कोर है। जब सुपर एट में पहुंचाएंगी, 8 टीमें पहुंचाएंगी, तो 8 टीमें में पहुंचने के बाद कुछ ना कुछ यहां से लेकर जाएंगे क्योंकि 8 टीमों का इनाम है, 5-8 में भी है, तो अगर सुपर एट में पहुंच जाते हैं तो संजय कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। बिल्कुल भाई, सुपर एट मतलब क्वार्टर फाइनल में जैसे ही एंट्री हो जाएगी आपकी, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा यहां से, और फाइनल जो दो टीमों के बीच होगा उसमें 51,000 फर्स्ट को, 21,000 सेकंड को, तो कौन भाई इस किताब पर कब्जा करेगा। थर्ड रेड टू ऑर्डर रेड,
अभी कुछ दिन पहले में जो रूपास में टूर्नामेंट हुआ था उसका फाइनल जेडी और लखानी के बीच देखने को मिला था, क्या वो फिर देखने को मिलेगा यहाँ पर या कोई और नया चैंपियन देखने को मिलेगा? लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में कहते ना कबड्डी हो क्रिकेट हो औपचारिकताओं का गेम है, अनिश्चितताओं का गेम है। प्रयास किया है, तैश लगाया, किया पूरी तरह से बाहर चल गए और ऑल आउट हो गए सुनील, ऑल आउट मिलता हुआ बोनस जरूर मिला है, समय करता हुआ धीरे धीरे लीड बढ़ती हुई और मुकाबला समाप्त होता हुआ। भाई साथियों बाजी मारती हुई इस मुकाबले में बड़पुरा टीम, बड़पुरा विनर। भाई साथियों फाइनल किसके साथ होगा ये देखना है, लेकिन इस समय एक और मैदान चढ़कर ऊपर पहुंचती हुई बैसवाल टीम। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनल स्कोर क्या है भाई? 24-10 के साथ बाजी मारी इस मुकाबले में बैसवाल टीम ने। धन्यवाद दोस्तों।